तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि बीएन ऐप से कोई भी वीडियो को कैसे एडिट करें। बीएन से पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे कि आप बीएन एप्लीकेशन से आप कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो हो बहुत ही आसानी तरीके से आप रील्स एडिट कीजिए या शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कोई भी इंस्टाग्राम के लिए, कोई कुछ भी के लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं तो आइए वीडियो को एंड तक बने रहिए। हम इसमें पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे। और बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बता दें, बीएन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तो बीएन एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। तो हम बीएन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। बीएन एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। आपको कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, तो हम वीडियो आज सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो टिक कर देना। एरो टिक करने के बाद सबसे पहले बता दें, लास्ट वाला पार्ट इसको डिलीट कर देना। इतना मेरा ये पार्ट हो चुका है, जितने 10 सेकंड का लगभग इतना सेकंड का हो चुका है। तो सबसे पहले अगर आप चाह रहे हैं इसका ब्राइटनेस, रोशनी कुछ कम ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ पे सर्कल को सेलेक्ट करना है। सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखेगा, फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर क्लिक के बाद यहाँ पर देख सकते हो एडजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप एक्सपोज को कम ज़्यादा देख सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको मिला लेना। यहाँ से देख सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारा है तो आप इससे भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी, पीछे के बैकग्राउंड आर देख सकते हैं चेंजिंग हो रहा है। इतना करने के बाद आप सही टिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको बता दें, म्यूजिक अगर आप चाह रहे लगाने तो म्यूजिक यहाँ से आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं म्यूजिक पे ऊपर में देख सकते हो, सबसे ऊपर में म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक लिखा हुआ, यहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ, यहाँ से आप बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको अभी नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। म्यूजिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर मैं म्यूजिक लाइब्रेरी पर जैसे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो ढेर सारा म्यूजिक आ चुका है, तो आप कोई भी म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये म्यूजिक मुझे ऐड करना, तो यहाँ पर यूज पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा प्रोसेसिंग इस स्टेप से होने लगेगा, तो ये मेरा म्यूजिक अभी ऐड हो रहा है। देख सकते हैं म्यूजिक जैसे ही ऐड हो चुका था, अब हम सही टिक कर देंगे तो ये मेरा म्यूजिक अभी देख सकते हैं ऐड हो चुका है। यहाँ तक मेरा म्यूजिक अभी ऐड हो चुका है। अब इसको करना क्या है, आप जैसे बीच में आप चाह रहे हैं इसको स्प्लिट यानी कि बीच से कट करना, यानी कि थोड़ा इस पार्ट को हटाना था, हटाने के इधर का पार्ट हटाने स्पीड पे क्लिक कीजिएगा, बाद वाले पर इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर डिलीट कर दीजिएगा, वो पीछे वाला पार्ट हट गया। अगर आप चाह रहे हैं इसको बीच में से इसमें इफेक्ट डालने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक से एक बढ़ के है, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर सही टिक कर, कितना तक रखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, टाइमिंग दिखा रहा है। इतना तक आप रखना चाह रहे हैं तो इतना तक करके सही टिक कर देना। तो ये मेरा देख सकते हैं शुरू में झटका तक ये मेरा स्टेप से हो चुका है। और अगर आप चाह रहे हैं बाद में यहाँ से स्प्लिट करके और चाह रहे हैं इस पार्ट को आप स्लो करने के लिए, यहाँ स्पीड पर क्लिक कीजिएगा। स्पीड पर क्लिक करने के बाद इसको जैसे इससे कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा, तो ये देख सकते हैं स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ से नीचे कीजिएगा स्लो हो जाएगा, ऊपर कीजिएगा फास्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और सही टिक कर देगा। ये देख सकते हैं 40 सेकंड का हो गया, इतना हो चुका है। और अगर आप चाह रहे फिल्टर लगाने के लिए, फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा फिल्टर आ चुका है। कोई भी एक फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं और सही टिक कर सकते हैं। तो इतना ये मेरा वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर चाह रहे इसको जूमिंग करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं जूम का ऑप्शन दिया गया है। जूम पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जूम आउट है, जूम इन है, जूम मूव लाइट है, यहाँ पर जूम लेफ्ट है। तो आप जो भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जूम आउट पर हम फिर क्लिक करके सही टिक कर देते थे। अभी भी मेरा देख सकते हैं जूम आउट ये हो चुका है। इस तरह से आप आसानी से बहुत ज़्यादा इसमें और चाह रहे हैं कि आप अदर से यानी कि इसमें अदर से वीडियो फोटो ऐड करने, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का क्लिक कीजिए, वीडियो फोटो पर क्लिक कीजिएगा, अदर वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं अदर वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदर वीडियो को जहाँ आप चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ तक इसको रखना चाह रहे हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ तक आप कर सकते हैं इसको। अगर आप इसको चाह रहे हैं डिलीट करने, तो डिलीट करने के लिए इस पर फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट हो चुका। आशा करते हो कि फुल ट्यूटोरियल आप जान गए हो। अब बात आ गया है एक्सपर्ट करने का, एक्सपर्ट कैसे करेंगे, एक्सपर्ट कोना में देख सकते हैं, एक्सपर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं और सही टिक कर देना। तो ये मेरा वीडियो एक्सपर्ट हो चुका है। आशा करते हो इस तरह की वीडियो आप समझ गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।